9 अगस्त को लोकसभा में मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन भी चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नाम लिए बिना राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम था, कलावती बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के विदर्भ की एक महिला कलावती का भी जिक्र किया। बता दे, कलावती से राहुल गांधी ने 2008 में मुलाकात की थी। वहीं अमित शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी कलावती के घर खाना खाने गए थे, उसके बाद उनका कोई हालचाल नहीं लिया गया। अमित शाह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कलावती को सब कुछ मुहैया करवाया है। अमित शाह ने आगे कहा कि उस गरीब कलावती को घर, बिजली, गैस, अनाज आदि देने का काम भी नरेंद्र मोदी ने ही किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस कलावती के घर भोजन के लिए गए थे, उन्हें भी नरेंद्र मोदी पर भरोसा है और वो प्रधानमंत्री के साथ ही खड़ी हैं। इन सब के बीच मीडिया से बातचीत में खुद कलावती ने बताया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उनसे मुलाकात करने जरूर आए थे, लेकिन उनकी मदद काफी दिन बाद की गई। इस दौरान कलावती के बेटे प्रीतम बंदुरकर ने बताया, उस समय हमारी हालत बहुत खराब थी, हम 7 बहनें और 2 भाई थे, पापा गुजर गए थे, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, हम लोग काम करने खेत में जाते थे, जैसे तैसे बस गुजारा चल रहा था। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हमारे यहाँ मिलने आए, उस समय वो किसानों से मिलने हमारे इलाके में आए थे और अचानक हमारे घर भी आ गए, उसके कुछ समय बाद हमारी मदद की गई। प्रीतम ने साफ कहा कि उन्हें जो कुछ भी मिला था वो राहुल गांधी के आने के बाद ही मिला। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।